Hello, my name is Trish Jindal of class 10th from Rishan Defence Career Academy. Today's topic is going to be life process of 10th class. So let's get started. Life process. So what do you understand by the term life process? Basic functions performed by living organisms to maintain their life on Earth. As a function जो हर organism perform करता है इस धरती पे जीने के लिए उसे कहते हैं life process. So nutrition. The mode of taking food inside the body and converting it into small molecules. मीन्स का मतलब क्या है, हम जब खाना अंदर लेके जाते हैं उस प्रोसेस को, जब हम खाना अंदर लेके जाते हैं और जब हमारा खाना छोटे छोटे टुकड़ों में बच जाता है उसे कहते हैं न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, हीटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर. जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं जिसकी वजह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनकी मदद से जो ऑर्गेनिज्म अपने आप से खाना बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एग्जांपल हो गया प्लांट्स, बैक्टीरिया. अब हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते जो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट है उन्हें कहते हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एग्जांपल ह्यूमंस एनिमल्स. Now there are three types of heterotrophic nutrition, parasitic, autotrophic and saprotrophic. इसके बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.